महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और समाज के मुद्दों पर पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए एक अलग पहचान दी है। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बीजेपी की तरफ से 4 बूथों पर इसका आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम की सफलता के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने भारत और दुनिया के इतिहास में आज एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री ने लगातार राजनीति से ऊपर उठकर देश और समाज के मुद्दों पर बात की है और जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे हैं, उनको एक अलग पहचान दी है। आज उज्जैन के भैरवगढ़ जो स्थान है, यहाँ पर मैंने भी अपने सभी बूथ अध्यक्ष और यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ समाज के गुरु जो उज्जैन के क्षेत्र में जिनकी प्रतिष्ठा है, जिन्होंने विशेष प्रकार के काम किए, चाहे मलखम्ब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, चाहे हमारी वो बहन जिसने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पीएचडी की, वो बहन भी आज मन की बात में उपस्थित थी। ऐसे सभी प्रबुद्ध और इस प्रकार के लोगों के साथ आज मन की बात को सुना है। माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात भारत के दुनिया के इतिहास में आज एक विश्व कीर्तिमान बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड, जिसमें किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 100वें एपिसोड तक एक दिन भी कभी राजनीति की बात नहीं की, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई प्रधानमंत्री देश और समाज के मुद्दों पर और ऐसे लोगों को जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे हैं, उनको उस पटल पर लाना। आपने देखा होगा कि आज की मन की बात के अंदर ऐसे ही उदाहरण आए कि जिन उदाहरणों में जिन लोगों को कोई नहीं जानता था उनको माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात के कारण से एप्रिसिएशन मिला, समाज में स्थान मिला और उनके काम से लेकर के उनका व्यापार तक उनकी वृद्धि जब हुई तो लोगों को लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान आज बनाया और इस दिशा में आज पूरे देश में मन की बात को लेकर के उत्सव जैसा वातावरण बनाए। आज हमने भैरवगढ़ के इन बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात विद मिलेट्स के मील के साथ, आपने देखा होगा कभी हमारे सभी लोग यहाँ पर जो मोटा अनाज माननीय प्रधानमंत्री जिसको बार बार जिसका उल्लेख कर रहे और देश के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया, तो मिलेट्स के मील के साथ आज प्रधानमंत्री की मन की बात को मैंने भी यहाँ पर सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ और आज इस क्षेत्र में जो हमारे सफाई कर्मी भाई और बहन हैं उनका भी मन की बात पर आज हमने उनका अभिनंदन किया है और उनके साथ बैठ करके मन की बात को सुना है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।